अच्छा, अब क्लॉक को देखते हैं। दो तीन बच्चों को प्रॉब्लम आई क्लॉक में, दोबारा समझते हैं बड़े आराम से। क्लॉक में क्या होता है, एक सर्कल में 12 पार्टीशंस मारी गई होती हैं। 12 से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात, सात से आठ, आठ से नौ, नौ से दस, दस से ग्यारह। ठीक है, हमने हमेशा दो सुइयों की बात करनी है या दो हैंड्स की बात करनी है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड आवर हैंड। ये बड़ी सुई, ये मान लेते हैं छोटी सुई। अभी मैं आपको सही एक बजे दिखा रहा हूं कि एक बज गया। ठीक है, दो तरह की हैंड्स होते हैं, एक तो मिनट हैंड, एक आवर हैंड। प्लीज, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड। इसको मैं बड़ी सुई भी बोलता हूँ, लार्ज वन। ठीक है, इसको लार्ज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बड़े स्टेप्स लेती है, और जो ये आवर हैंड है इसको मैं छोटी सुई बोलता हूँ क्योंकि ये छोटे स्टेप्स लेती है, बेबी स्टेप्स लेती है, बेबी स्टेप्स लेती है। अच्छा, अब आप सोच के देखो, जो ये बड़ी सुई है बच्चों, जो ये बड़ी सुई है, जब ये पूरा एक घंटा चलेगी, एक 60 मिनट में कितने एंगल कवर कर देगी, दोबारा 12 पे पहुंच जाएगी ना, एक घंटा घूम। तो ये एक घंटे में 360 डिग्री चलती है। अच्छा, अब मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, मतलब एक मिनट में कितना स्टेप लेती है, 6 डिग्री का। इसके एक मिनट का स्टेप कितना है, 6 डिग्री एंगल है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब जो ये बेबी स्टेप्स लेती है, जो ये आवर हैंड है हमारी, सोच के देखो, जब मिनट हैंड पूरा एक घंटा चलेगी तो ये सिर्फ 12 से एक जाएगी, या फिर एक से दो जाएगी, दो से तीन जाएगी, ऐसे ही होगा ना। यस सर, एक बजा होगा, दो बजेगा। जब बड़ी सुई जो मिनट हैंड है एक घंटा पूरा घूमेगी, तभी तो ये 30 डिग्री चलेगी। अब मुझे कैसे पता लगा ये 30 डिग्री है, भाई 360 को 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, 360 को बच्चों 12 हिस्सों में ही बांटा हुआ है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। yes, ये 12 हिस्से ही है। अच्छा, तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूं कि एक घंटे में जो छोटी सुई है वो 30 डिग्री चलती है, मतलब एक मिनट में प्यारे बच्चों आधा डिग्री चलती है। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखना, देसी जुगाड़ बनाया हुआ है। वैसे तो एक फॉर्मूला भी होता है जिससे हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, मुझे तो आता नहीं है, मैं आपको क्या लिखवाऊंगा खुद ही, जब मुझे खुद ही नहीं आता है ना। एक जुगाड़ है, मैंने तो एक जुगाड़ बनाया हुआ है, देख लो क्या है। आई विल ग्रांटेड कि हर क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, एक मिनट में समझ आ जाएगा सबको, चाहे किसको कुछ भी नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ एक मिनट दे दो बस अपना, एक मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, क्या चीज है, मान लो आपसे किसी ने पूछा कि 1:15 पे एंगल निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ याद नहीं करना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे सिखा दो, खुद दिमाग लगाना सिखा रहा हूं। अब 1:15 पे एंगल निकालना है, ये तो समझ रहे हो, मतलब क्या है। देखो 12 बजे दोनों सुई ऐसे रही होंगी, एक के ऊपर एक। अच्छा, 1 बजे क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे रही होगी छोटी सुई ये यहां पे। अच्छा, 1:15 क्या हुआ होगा, ये घूम के इसके ऊपर आई होगी, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। आप ना एक काम किया करो, हमेशा छोटी सुई को फिक्स कर लो, छोटी सुई को फिक्स कर लो, यहां पे फोर्स लगा दो, थोड़ी सी लगा दी एफ फोर्स, छोटी सुई, छोटी सुई मूव नहीं करेगी। अब देखो, सही 1 बजे दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल, सही 1 बजे दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल, ये तो समझ रहे हैं सर। अच्छा, अब आप बच्चों ये देखो, अगर सही 1 बजे 30 डिग्री एंगल था, 1:15 पे देखते हैं कितना एंगल होना चाहिए था। अगर ये एक पे ही खड़ी है पूरी की पूरी फिक्स, तो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री 60 डिग्री। ये बात समझ आया बेटा कीरत, की 60 डिग्री एंगल बनेगा। यस सर। अच्छा, पर अब आप फोर्स को हटा दो, फोर्स को हटा दो, अगर फोर्स को हटाओगे तो छोटी सुई कुछ इसकी तरफ मूव करेगी, कुछ इसकी तरफ मूव करेगी ना छोटी सुई, और वो कितना मूव करेगी 15 मिनट में, 15 मिनट में छोटी सुई इसका आधा, 7.5 डिग्री, 15 का आधा। अब ये देखो, एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा, नेट एंगल कम हो जाएगा, 60 में से 7.5 निकालने हैं। अब मैं तो 60 में से 7.5 ऐसे निकालता हूं, 62.5 डिग्री आ गया,
पहले सात निकाल दो फिर आधा निकाल दो, 63 फिर हाफ 62 एंड हाफ। क्या समझ आया बेटा सबको? मेथड नहीं है कि ऐसे ही रट्टा मार लो, फिर तो एक फॉर्मूला आता है जिससे हो जाएगा। अच्छा अब आप एक काम करके देखते हैं, अब एक चीज देखते हैं। मान लो एंगल पूछा होता किस पे निकालें, एक पचास पे निकालते हैं, एक पचास, ठीक है, एक पचास पे एंगल निकालते हैं। यहां पे बारह, यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे तीन, यहां पे छह, यहां पे ग्यारह, यहां पे दस, सारी नंबरिंग नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अब मैंने छोटी सुई को तो कर रखा है फिक्स, ये बात तो समझ रहे हो, छोटी सुई तो मैंने कर रखी है फिक्स, इसको तो एक पे खड़ा कर दिया फोर्स लगा के। अच्छा पचास का मतलब मैंने आना है यहां पे, ये बात समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। 52.5 क्यों आएगा, ये माइनस कर गलत कर दिया क्या, 52.5 लिख लो यार, सॉरी, ठीक है। अच्छा अब 50 पे यहाँ पे आया, अब एंगल चेक करो, हमेशा छोटे वाला एंगल निकालो, हमेशा छोटे वाला एंगल निकालना होता है हमें, ये बात तो समझ रहे हो कि छोटे वाला निकालना है, इसमें तो डिफिकल्ट है कि छोटे वाला एंगल निकाल लो, या फिर इसको कहना चाहिए कि छोटे वाला एंगल निकालना है, छोटा ही निकाल देते हैं, अभी तो एंगल निकालते हैं यार, छोटा बड़े की बाद में देखते हैं, अभी तो एंगल निकालते हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 30 30 60 30 90, ये मानते हो कि 90 डिग्री होगा? यस सर। अच्छा अब जब इसको हम फोर्स हटाएंगे, ये आगे को मूव करेगी कुछ, ये आगे को मूव करेगी? यस सर। अब एंगल बढ़ेगा कुछ, ये बात तो समझ रही हो कि कुछ बढ़ेगा 90 से? यस सर। और वो कितना बढ़ेगा, 50 मिनट में जितना छोटा सुई तुरती है, छोटा सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 50 मिनट में कितना चलती है बेटा, 50 by 2 25 डिग्री। अब अगर वो 25 डिग्री चलेगी तो नेट आंसर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी अ 115। अच्छा अब आपसे कोई ये वाला एंगल पूछे तो आप ये भी बता पाओगे, 360 में से 115 माइनस 45 डिग्री। Am I audible? Yes, sir. 360 में से 115 माइनस कर दो, 245। जो भी आंसर आपसे पूछा हो आप बता दोगे यार, बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. एंगल वाले क्वेश्चन निकाल लोगे सारे? देखो मेरा यही जुगाड़ है। बताओ कीरत कुछ पूछना चाहती हो बेटा, या फिर प्रभ सिमरन बताओ बोलो, कोई भी कुछ भी पूछो, स्नेहा, मंतेश्वर, वासु, दातानू, सर। हाँ जी, हाँ जी सर। अगर मतलब हमें कोई एंगल ऐसे टाइम ऐसे दिया हो कि 118 पे निकालना है तो कैसे करेंगे? 118 पे निकाल देते हैं मैम, ये लो 1:18 पे निकालो भाई, थोड़ा टेढ़ा आ जाएगा और तो क्या है, टेढ़ा क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि निकाल नहीं पाएंगे। 1 सही कितना एंगल होगा बेटा? 30 होगा। अब मुझे किस पे निकालना है, 1:18 पे, एक को मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है, इसको तो मैं फिक्स कर देता हूँ, 1:18 कुछ यहाँ पे होगा बेटा, ये बात समझ रही हो, 1:18 कुछ यहाँ पे होगा, 2 से पहले। अब इनके 3 के बाद आएगा 10 15, हाँ यार सॉरी, 8 पे निकाल दें, चलो कोई नहीं। यस सर, कोई बात, 4 पे निकाल देते हैं, तुमने कहा है तो ये, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल चेक करें, 60 डिग्री तो देखो होना ही है, 30 प्लस 30। अब ये एंगल चेक करना पड़ेगा, मुझे पता है इस इन दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप है, ये मानती हो 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट 30 डिग्री एंगल, ये हर पार्टीशन कितने की होगी, अगर छोटी छोटी करनी हो पार्टीशन, 6 डिग्री की होगी इसके हिसाब से, तो ये और कितना चला, बस सीधा निकाल, yes, ये अभी
15 से लेके 18 तक 3 मिनट होते हैं, 15 से लेके 18 तक 3 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। यस सर। पहले तो 18 डिग्री आ गया, ये बात समझ रही हो? यस सर। एंगल कितना आया होगा 60 प्लस 18, ये बात समझ रही हो बेटा? यस सर। 78 डिग्री आ गया। अब फोर्स हटा दें, जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होने वाला है? फोर्स को रिमूव करेंगे 18 मिनट में छोटी सुई आगे आएगी, कितना आगे आएगी बेटा? 9 डिग्री। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा माइनस करके? 69 डिग्री। ओके सर। सच बताओ सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा अब आप ये बताइए बेटा, सारे जाने सारे बच्चे, क्या सबने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? यस सर। यस सर। इसका सारा चैप्टर एक ही जगह पे खड़ा है, डी बाय 90, 2r/π, g/100। इसको ये लगाना आ गया, मैं तो कह रहा हूँ जी कोई क्वेश्चन फंसने वाला ही नहीं है कुछ भी। अच्छा उसके बाद मून शून वाले क्वेश्चन हैं 2-3, उसी में दिक्कत हो सकती है अगर हुई तो। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन नाउ। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल हैविंग सेम रेडियस। थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। Express the angle of sector in degree, minutes, seconds. सिर्फ क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग बड़े ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। वेरी गुड लोकेश, सृष्टि, प्रथमेश, वंश बंसल, कम ऑन गाइस, कम ऑन, जस्ट क्वेश्चन पढ़ने को कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो अपने आप आंसर आएगा, आंसर निकालने की कोशिश ही मत करो। ईशा का हो गया, पूर्णिका का हो गया, तेज प्रताप का हो गया, आर्यन, प्रक्षित, किंशुक, निकिता, करण सिंगला, कल के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना बच्चों, ठीक है? MCQs बहुत अच्छे से करना RDK और अपना तत्व एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। मैं कोशिश करता हूं अगर आज आपके डाउट्स ले पाऊं जो रिमेनिंग है थोड़े से। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं, एक सेक्टर है ये, इसको सेक्टर को बाहर निकालता हूं, इसका जो पेरीमीटर होगा is equals to arc of a semicircle having same radius. एक semicircle है, एक और circle मतलब सेमी रेडियस का, दो सेमी circles हैं। Semicircle की arc कितनी होती है? Pi r. इसका जो perimeter है, इसका perimeter कैसे निकलेगा? L+r+r. मान लेते हैं ये angle theta बना रहा है, ठीक है? इसका जो perimeter हमें कितना दिया हुआ है? 2r plus जो ये L होगी, किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों?
फाइव आर के। ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल की लेंथ, कौन से सेमी सर्कल की, जिसका रेडियस तो उतना ही था। अच्छा, अब ये एल हम निकाल सकते हैं, थीटा पे जुगाड़ लगा दूं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, रिलेशन पता लग जाएगा यहां से। क्या बात बताओ, समझ आई? यस सर। और ये एंगल रेडियन में होता है पता ही है हमें, तो एल को हम थीटा आर लिख दूं। अब आर को कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि आर इक्वल्स टू जीरो तो रूट होगा नहीं, ऑब्वियसली आर इक्वल्स टू जीरो तो रूट होगा नहीं ना, थीटा बन गया पाई माइनस टू। अब ये रेडियन में आया है ना बच्चों, ये आंसर रेडियन में आया है। अगर रेडियन में आ गया, डिग्री और ग्रेड में निकाल देंगे, सीधी सी बात है। बताओ समझ आया कि नहीं? प्रभ सिमरन पढ़ा था तू कल घर पे? यस सर। सच बोल रहे? अब ये रेडियन में निकल गया, डिग्री में कैसे निकलेगा बच्चों? बताओ डिग्री में कैसे निकलेगा? Into 180 upon pi. जैसे मर्जी याद कर लो, चाहे ये लगा दो d by 90, 2r by pi. रेडियन में पता है हमें, हमें डिग्री में चीज निकालनी है, 2 into pi minus 2 by pi. ठीक है, तो डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 180 by pi into pi minus 2, जो ये एंगल आया वो डिग्री में आया। अब आगे मिनट्स में भी निकाल दोगे ना ये पूरा, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 कुछ ऐसे वैसे से, सॉल्व कर लोगे? यस सर। आप सभी को इसको सॉल्व करना है बच्चों, और इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड्स आफ्टर सॉल्विंग। और सॉल्विंग कर लेना, होती नहीं है जर्नली बच्चों से। क्या बात समझ आ गई? इस चैप्टर से एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, वो मैं चाहता हूं आप खुद करेंगे, मैं तो करवाऊंगा ये एंड में। क्वेश्चन तब होगा जब आप उसको इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो आपको याद होगा सी के डिनोट्स है, होगा ऐसा क्वेश्चन? यस सर। ये है मेरी बुक में तो 16th एग्जांपल है। यस सर। इसको ट्राई करना, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है? जान के मैं जान के नहीं करवा रहा अभी। अच्छा, अब आप ये बताओ, थोड़ी सी बेसिक सीखते हैं, देखना बेसिक। बेसिक क्या है बच्चों? अगर मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर का रूट लेने, एक्स स्क्वायर का रूट लेने, तो यहां पे क्या आना चाहिए? मॉड एक्स आएगा ना। ये बात सारे समझ रहे हो कि कभी इसको काटना नहीं होता, इसको हम छोटे होते काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर मॉड एक्स होता है। क्योंकि सोच के देखो ना, माइनस टू का स्क्वायर रूट, आपने इसको काट दिया और आंसर लिख दिया माइनस टू, या कभी भी किसी चीज का अंडर रूट करके माइनस टू आ सकता था? समझ गए ना, बड़ा बेसिक सी बात है, बड़ी बेसिक बात है कि नहीं? अच्छा, और मैंने आपको ये भी सिखाया, पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे टेन और यहाँ पे ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, मैंने आपको फिर ये भी बताया कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस साइन, माइनस साइन, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इनके सेम से ही चलेंगे। बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है ना, वो टेंथ वाले चलेंगे, आज हम टेंथ वाले क्वेश्चंस करेंगे, बट एटीट्यूड चाहिए रहेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी का डाउट है वो तभी बोले, अगर डाउट नहीं है हम वैसे ही अनम्यूट करके बैठे हुए हैं अपने आप को, इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्या कहते हो चंदन सिंगला? सही बोल रहा हूं चंदन? यस सर। ठीक,
चलो क्वेश्चन करें, लेट अस डू। क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, एटीट्यूड मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में सीखने वाली एक ही चीज है एटीट्यूड, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी बताओ, इस टर्म को अलग से रैशनलाइज करके करो, इसको अलग से रैशनलाइज करके दोनों को जोड़ दो, या एलसीएम ले लो जैसे आपको अच्छा लगता है। इशिता का हो गया, वेरी गुड। मंतेश्वर का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, रैशनलाइज कर रहा हूं टर्म्स को, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, खुद से समझो क्या किया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको करो तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर का रूट, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, और यहां पे बनेगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर का रूट, और यहां पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा के रूट। अब बच्चों मैं चाहता था आप इससे आगे सॉल्व ना करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट आपने स्केयर से रूट हटा दिया, 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 आंसर निकाल दिया। बात समझ गए ना, हमें ये थोड़ी पता था कि कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई कॉस थीटा तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने कैसे काट दिया, सीधा मॉड लगाना चाहिए था ना। चलो आप अगर काटते भी हो तो मॉड लगाओ, ये बात तो समझ रहे हो, क्योंकि वेरिएबल है ना। अगर आपने उसको काटा तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा का मॉड कॉस थीटा का मॉड, 1 प्लस साइन थीटा का मॉड कॉस थीटा का मॉड, ये बात समझ रहे हो कि ऐसे लिखना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक तो चलो कुछ किया ही नहीं, यहां तक बताओ किसी को डाउट है? नो सर। बच्चों एक बात को समझते हैं, एक बात को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना उसको आप लोग। चलो कोई बात नहीं, यहां तक कोई डाउट है बेटा? वंश चलो कोई डाउट। अब आप ये देखो, जो साइन थीटा होता है ना, ये माइनस वन टू वन आंसर देता है सिर्फ, जो इसकी रेंज होती है ना साइन थीटा की। अभी के लिए इसको याद कर लो, आप एंगल को कुछ मर्जी रख दो, आंसर हमेशा माइनस वन टू वन आएगा, आंसर हमेशा माइनस वन टू वन आएगा। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है ना, उसकी रेंज भी माइनस वन टू वन होती है। रेंज मतलब आंसर्स, जैसे ये एक मशीन है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, जो भी आंसर्स आएंगे ना वो माइनस वन टू वन के बीच में आने वाले हैं। अगर आपने थोड़े बहुत लेक्चर किए हैं तो आपको समझ भी आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ रहे हो बच्चों? अच्छा अब आप सोच के बताइए, बड़ा ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा
ये वाली टर्म क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? ये पूरी भाई साइन थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वन है, वन में से आप माइनस कर रहे हो, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यस सर, बात समझ रहे हो ना, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो मॉड यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं भाई? मॉड लगाने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। मॉड तो हम उसमें लगाए ना जहां पे हमें डाउट हो, यहाँ तो डाउट की बात ही नहीं। अच्छा, ये वाली टर्म भी हमेशा क्या होगी? वन प्लस साइन थीटा -20 तो यहाँ पे भी मॉड लगाने का कोई तुक नहीं बनता। अब बच गया ये क्वेश्चन, समझ आया? Yes, sir. रूपगर्ग, समझ आया? देखो बेटा, सबको समझ आया यहां तक? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। यस सर। इंपॉर्टेंट बातें, नहीं आया तो 100 बार पूछो, पूछते रहो, मैं काम है बताते रहना। बट मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती, जो डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है, कुछ पूछता भी नहीं। ध्रुव बता यार क्या प्रॉब्लम है? सर क्लियर हो गया डाउट वो। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि जो थीटा है वो पाई बाय टू से लेके 3π/2 के बीच में है, तो क्या आप आंसर बता पाओगे क्या आएगा? सोच के देखो, सोच के सारे। पाई बाय टू कहां पे होता है? यहां पे। 3π/2 कहां पे होता है? 270 डिग्री। मैंने आपसे कौन सा क्वाड्रेंट बोल दिया, मतलब एक तरह से? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या लगेगा? कॉस थीटा का माइनस के साथ खुलेगा ना मॉड? यस सर। यस सर, के साथ खुल जाएगा। मॉड को छोड़ना आता ही है। माइनस सेकंड थर्ड। यस। क्या ये बात समझ आया क्या? नहीं आया? यस यस। तो आंसर क्या बन गया? नेट आंसर चेक करो क्या? हां जी, क्या बोल रहे हो? माइनस 2 मिनट रुक जा यार। सर 1 - sin θ नीचे मॉड कॉस थीटा तक तो समझ आ गया, आगे फिर से समझा सकते हो कि क्वाड्रेंट में से कैसे पता चलेगा? सर हाँ बता सको सकते ही हैं। अगर क्वाड्रेंट, अब मैंने आपको दे दिया कि एंगल इसके बीच बीच में है, पहला केस बनाया कि जब एंगल इसके बीच में है। यस सर। तो मतलब ये पता चल गया पाई बाय टू यहाँ पे क्यों लिखा और यहाँ पे क्यों लिखा था पाई बाय टू? नहीं समझ आया ना ये? नहीं सर। ये पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है? यस सर, ये तो पता होता है। और 90 डिग्री पाई बाय टू ही होता है? यस सर हाँ। और ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है? मैंने तो पढ़ाया था, वो छोड़ दो। ये 3π/2 होता है, 270 डिग्री, 90 का 3 गुना। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये पता लगा? यस सर। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड और थर्ड में कॉस क्या होता है बेटा? सर हाँ जी, हाँ जी। सेकंड में सर जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। और थर्ड में? सर और जो थर्ड में होता है, सर थर्ड में भी नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा। तो ये हाँ, तो मॉड अपनी तरफ से एक माइनस लगाएगा, क्योंकि जब हम एंगल इसमें कुछ पुट करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव आनी है। मॉड ने खुद एक तरफ लगा दिया, मशीन की तरफ से लग गया ताकि नेट पॉजिटिव हो जाए। यस सर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा अकेले अकेले के नीचे ले जाएं। यस सर। ये प्लस का टेन थीटा माइनस 1 cos θ माइनस का टेन थीटा कट गया, माइनस 2 cos θ ये आंसर बनेगा। यस सर, समझ आ गया? समझ आ गया? आपको बोल दिया -π/2 to π/2। थोड़ा सोच के देखो ये मैंने क्या बोला।
हम हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। क्या माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू टू फाइव पाई बाई टू एक ही बात होती है? पहले तो इसको सोच, यस सर, बाद में बता देना, पहले सोच लो जो मैं कह रहा हूं वो करो। एक्टर बाद में बनना, पहले सीखो। ये मार्किंग करके देखो एंगल्स की, बेटा एंगल्स की गेम को ही समझना है। ये क्वेश्चन तो ये सॉल्विंग तुम्हें लगता है आईआईटी में पूछी जाएगी? ये टेंथ वाले भी कर देंगे, फिफ्थ सिक्स्थ का बच्चा भी कर देगा। बात तो एंगल्स को समझने की है, और ये समझ तब आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सोच के देखो माइनस पाई बाई टू कहां पे होगा। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज चलना है। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लॉकवाइज चलना है। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। अब एंगल्स को रेडियन में सोचो, माइनस पाई बाई टू। हम यहां पे खड़े हैं ना, देखो जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू मतलब मैं यहां पे आ गया इस जगह पे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाना है। एक तरह से मैंने आपको कौन सा क्वाड्रेंट बोल दिए? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा, समझ पा रहे हो ना? यस सर। Yes, इसी को लिखने का तरीका और क्या हो सकता था? मैं इसको ऐसे बोल देता, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नहीं, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, 5 पाई बाय 2। ये बात समझ रहे हो? Yes, 2 पाई में पाई बाय 2 पाई। थोड़ा सोच के देखो, सोच के देखो, माइनस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 2 5 पाई बाय 2 एक ही बात। बताओ इसमें कोई डाउट है? कोई बात नहीं, डाउट आ सकता है, पूछिए, समझ के देखिए एक बार। अगर आपने ये गेम सीख ली ना बेटा, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और ये कोई गेम ही है एक तरह से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। वो 3 पाई बाय 2 5 बाय 2 कैसे बोला बेटा? 3 पाई बाय 2 ये देखना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, समझ रहे? Yes, 360 डिग्री के बाद कितना आएगा? 90 ऐड करके 450। Yes, sir. 450 5 पाई बाय 2 तो होता है। ठीक है सर। कैलकुलेशंस मारनी पड़ेंगी, डिग्री सू रेडियन। आज तक छोटे बच्चे हैं हम, डिग्री में चलते आए हैं, अब रेडियंस में चलना है। रेडियन में चलना इजी होता है अगर एक बार आने लगे तो। बात समझ रहे पुत्र? Yes, sir. छोटे से बड़े की तरफ देखना हमें, लिखना भी ऐसे ही है, छोटे से बड़े की तरफ। अगर अब इस क्वाड्रेंट में मैंने दे दिया तो आंसर बता सकते हो क्या आएगा? इसको ऐसे खोलेंगे मॉड को लगा, खुल जाएगा, समझ रहे हो? पॉजिटिव साइन के साथ पुश करेगी नहीं मशीन हमारी। और जब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, 2 बाई कॉस थीटा आंसर आने वाला है, 2 बाई कॉस थीटा आंसर आने वाला है। देखो क्या बात समझ आई सबको? यस सर। जिसको डाउट है 100 बार पूछ लो, पूछ लो चाहे। अभी ये एंगल्स की गेम है बेटा, एंगल्स की, समझ गए ना? एंगल्स की गेम है, बड़ा मजेदार है। चलो एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन करवाता हूं, सारे खुश हो जाओगे। सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टू प्रूफ करना है बच्चों, करके दिखाओ, सिंपल। मैं तो कह रहा हूं जी, सेकंड थर्ड वाले बच्चे का काम है। सोच के देखो, वंश का हो गया, सोचो सीकेंड से टेन में कैसे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्विंग शुरू करो। करण का सिंगला का हो गया, वेरी गुड। मंतेश्वर, अनिकेत, तेज प्रताप, गौरव ज्योत, मनवीर, वेरी गुड। कीरत, वेरी गुड। प्रथमेश, प्रभ सिमरन जी महाराज, यस सर। कर ला यार, तेनू मैं गल समझाई सी, समझ गल। मैं आज तक इन्नी गल कभी किसी नू समझाई नहीं पुत्र, इन्नी खुल के मैं कभी किसी नाल गल नहीं करदा। यस सर। आर्यन, मंतेश्वर, जेना नाल मैं कभी इन्नी गल नहीं करदा। मैं जबकि मतलब मैं इन्हों बहुत टाइम तो पढ़ा रहा यार।
अगर पाई टू टू पाई लिखा हो बेटा, पाई टू टू पाई का मतलब क्या होगा? पाई से टू पाई तो जा ही नहीं पाएंगे ना, पाई से टू पाई कैसे जाएंगे? पाई टू टू पाई तो ये एंगल हो गया, सिर्फ ये वाला बस। पाई टू टू पाई एंगल का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, पॉजिटिव में ही बढ़ना है ना हमें पाई टू टू पाई, समझ रहे हो ना? पाई टू टू पाई हाँ, इसमें दो केस बनेंगे भी, जब पाई टू थ्री पाई बाई टू होगा, थ्री पाई बाई टू, दो केस बनेंगे इस, ये तो पक्की बात है। मॉड को ब्रेक करना है आपके पास, बात तो वही है, मॉडुलस की ब्रेकिंग ही है, बात समझ गए ना? कॉन्फिडेंस रखो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। क्लियर हो गया बेटा जिसने पूछा था? अरे थैंक यू की तो बात ही नहीं यार, ये तो मेरा काम बनता है। अच्छा, इसमें से कैसे करें? सीकेंट स्केयर थीटा कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच गया? सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन। ये ध्यान से देखो क्या होता है, टेन स्केयर थीटा होता है, और इसको क्या लिखूं? वन प्लस टेन स्केयर। ये तो समझ रहे हो ना यार अब सारे सीकेंट स्केयर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आंसर बन गया टेन स्केयर थीटा प्लस टेन की पावर फोर थीटा। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो। ये तो हमें ऑरली पता होता है वैसे, चलो करवा देता हूं। साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद भी कर लेना, वैसे आप इतने क्वेश्चंस करोगे कि याद हो जाएंगे, जो अच्छे बच्चे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करनी शुरू करो, स्क्वायर का क्यूब लिखो इसको, साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा, वंश का हो गया। और ये वंश तूने आज क्या खाया हुआ है भाई? स्नेहा का हो गया, वेरी गुड। मनवीर का हो गया, मंतेश्वर का हो गया, लक्ष्य का, ईशा का, इशिता का, करण का, प्रथमेश का, पुलर साहब का, युवराज, शुभांग, अनिकेत, गुरकीरत। कम ऑन गाइस, सिंपल वन, यू ऑल हैव टू डू इट। हर्षिता गोयल, हर्षिता लेट हो तुम, पीयूष, आयुष, तेज प्रताप, आर्यन, प्रिंस, केशु, चलो बेटा करो सारे, हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की ट्राई करनी बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। देखो बच्चों, अब जिसका नहीं हुआ देख लो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दूं, और ये बस गलती मत करना कि इस थीटा का भी क्यूब कर देना कहीं, तो बहुत बेसिक्स हैं। इसको ऐसे लिख दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया? ए बी। डाउट है कोई? ये वन बन गया। अब ध्यान से देखो, अब मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है, कैसे बनेगा? यहां पे होल स्केयर कंप्लीट करें, देखो ए स्केयर तो दिख ही रहा है, बी स्केयर तो दिख ही रहा है, प्लस का टू ए बी कर दूं, टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, माइनस का टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा कर देता हूं, ऐसे घर का राज थोड़ी था, ये तो पहले से ही पढ़ा था। तो क्या बन गया ये फिर से वन बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर, ये बन जाएगा थ्री। देखो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझ आया? कोई बात नहीं, अभी समझ लो, बहुत टाइम पड़ा है, निराश होने की बात नहीं है, बात क्लियर है ना? यस सर।
पाई टू टू पाई वाले में ब्रेकिंग कैसे करेंगे भाई? सीधी सी बात है, पाई टू थ्री पाई बाई टू एक केस बनेगा, थ्री पाई बाई टू 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 पाई एक केस बनेगा। यहाँ पे मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, यहाँ पे मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, दिक्कत ही है ना। ठीक है भाई जितेंद्र जी, यस चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। साइन की पार एट थीटा माइनस कॉस की पार एट थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कम ऑन गाइस, नाउ गिव योर मैक्सिमम एफर्ट। Very good. Mandeshwar, एक बार फोटो क्लिक करियो। Okay. देखो कैसे करना है, इसको ऐसे लिख दे, चार थीटा का स्क्वायर कॉस की चार थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज बन जाएगी, साइन की चार प्लस कॉस की चार, साइन की चार माइनस कॉस की चार। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। अब इसको चलो बाद में देखते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये तो वन ही बन जाएगा, अब ये तो वन ही बन गया, ये हमें चाहिए ही था, इसको आगे सॉल्व क्यों करना है। अब इसको ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, दिख रहा है बन जाएगा कैसे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर कंप्लीट करे, टू ए बी माइनस टू ए बी, समझ रहे हो ना। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में ये टर्म तो है ही, ये वाली तो मल्टीप्लाई चल रही है ना बेटा, बात समझ गए सारे बच्चे, बात समझ गए, वेरी गुड। ठीक है आर्यन,